काफी लोग कहते हैं हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, ज्ञान के अभाव में आप लोग ऐसा कहते हैं कि हमने भगवान का दर्शन नहीं किया। अगर ज्ञान हो जाएगा तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप हर दिन भगवान का दर्शन करते हो, हर दिन हर पल। भगवान से परे संसार में कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ दिख रहा है वो भगवान ही है। आप समझना चाहते हैं, समझाएं। श्री सुखदेव जी महाराज ने विराट भगवान का श्रवण कराया। विराट भगवान का स्वरूप कितना विशाल है, विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने, ये जो सात लोक ऊपर और सात लोक नीचे, ये भगवान का ही विग्रह है, अंग है उनका। विराट भगवान का स्वरूप क्या है, पाताल विराट भगवान पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्म एड़ी के ऊपर की गांठें हैं, महातल उनके पैर के पिंडे, तलातल हैं, विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, और जांघे वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है, और परीक्षित उनके नाभि स्वरूप में सरोवर जो है, नाभि स्वरूप वो ये आकाश है। ये जो नाभि है भगवान की, ये आकाश है। तो सात लोक नीचे के जो हैं वो भगवान के नाभि से नीचे नीचे का अंग है, और ये जो आकाश आपको दिख रहा है ये भगवान की नाभि है। आप लोगों का जो ये शरीर है 5 फीट का तो होगा ही, प्लस होगा कुछ, 5 प्लस, 5 फीट के शरीर में तुम्हारी नाभि कितने फीट की है बताओ। फिट की बात कर रहे हो, इंच की है, 1.25 इंच की होगी, और शरीर कितना है, 5 फीट कुछ का, सही है। तो पूरे शरीर में हमारी नाभि कितनी छोटी है। अब ये जितना भी आकाश आपको दिख रहा है ये भगवान की नाभि है। आप सोचो जिसकी नाभि आकाश है वो भगवान कितना विशाल होगा। अच्छा बताओ, आकाश का दर्शन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं आकाश का दर्शन। तो नित्य तो आप भगवान की नाभि का दर्शन करते हो, फिर कैसे कहते हो हमें भगवान नहीं दिखता, कैसे कह सकते हो। चंद्र और सूर्य ये भगवान के नेत्र हैं। कौन है, चंद्र और सूर्य ये भगवान के नेत्र हैं। अब कैसे कह सकते हो कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, तुम्हें भगवान के नेत्रों का दर्शन होता है, होता है कि नहीं होता है। अब बोलो जोर से, ये नहीं बोलो, ये बोलो कि दर्शन होता है कि नहीं होता है। ये जो पहाड़ हैं बड़े 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 जो पहाड़ हैं, ये क्या है, ये भगवान के सी विग्रह की हड्डियां हैं। क्या है, तो इन पहाड़ों का दर्शन करके तुम्हें भगवान के जो हड्डियां तुम्हें अपनी नहीं दिखाई देती वो भगवान के दिखते हैं, दर्शन होता है। और तुम कहते हो भगवान नहीं दिखाई पड़ते, ये अज्ञान ही तो है। ये जितनी भी पृथ्वी पर आपको नदियों का दर्शन होता है, ये नदियां क्या हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। क्या हैं, ये जितनी भी नदी हैं, जिन जिन नदियों का दर्शन आपको होता है ये भगवान की नाड़ियां हैं। इन नदियों का दर्शन करके आप कहते हो हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। एक और प्रार्थना हम सबसे कर दें, थोड़ा ध्यान चाहेंगे आप सभी का। प्रार्थना करते हैं, किसी भी नदी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, किसी भी नदी में कचरा ना डालें, किसी भी नदी में साबुन न लगाएं, तेल लगाकर नदी में न उतरें, किसी भी नदी में कपड़े न धोएं, वस्त्र न धोएं, बर्तन न धोएं नदी में। और जिन शहरों के नाले नदियों में जा रहे हैं
शासक प्रशासक वो सब जिम्मेदार हैं उन नदियों का अपमान करने में, वायकादा उन्हें दंड मिलेगा। ये साधारण नदी नहीं है, भगवान की नाड़ियां हैं। विराट भगवान का दर्शन जब करते हैं तो ये जितनी नदियां हैं ये सब नाड़ियां हैं भगवान की। इतना ही नहीं, ये जितने भी वृक्षावली है, जितने भी वृक्ष आपको इस धराधाम पर दिखाई पड़ते हैं, ये सारे वृक्ष भगवान के रोम हैं। क्या हैं? तो जब आप इन वृक्षों का दर्शन करते हैं तो आपको भगवान के रोम रोम का दर्शन होता है। आपसे हम एक निवेदन करेंगे, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी के दिन पे, जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे, या कोई अच्छे त्योहार पे जिसको आप मानते, दीपावली वगैरह, एक वृक्ष जरूर लगाया करो और उसे पालन किया करो, उसे पालो। और फलदार वृक्ष लगाओ तो और भी अच्छी बात है। गूलर लगाओ, बट लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ, पीपल लगाओ, बेलपत्र लगाओ, केले का वृक्ष लगाओ, केले का जो पेड़ होता है, ये सारे वो वृक्ष हैं जो आपको आपके बाद भी आपके कल्याण का मार्ग बनते। जब तक इस धरती पे वो पेड़ रहेगा, उस पेड़ में फले फल लगेंगे, छांव मिलेगी, जितने लोग, जितने पक्षी, जितनी चींटियों को उससे सुख मिलेगा, उन सबको जीवन देने का, सुख देने का फल आपको लगेगा। इतना बड़ा फल है एक वृक्ष लगाने का। तो भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ है यहां पर। सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो, अड़ो अड़ियान मही तो महियान। बड़ों में देखोगे तो उससे बड़ा कोई नहीं, और छोटों में देखोगे तो उसे छोटा भी कोई नहीं। कितना सूक्ष्म है। अब देखो कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती पर इस संसार में हैं। आप लोग दही खाते हो? दही दही खाते हो? दही में कीटाणु होते दिखे कभी आपको? दही में कीटाणु होते हैं, वो दिखते नहीं, और कितनी वाइट है फिर भी नहीं दिखते। लेकिन एक ग्लास होता है स्पेशल, एक ग्लास होता है, कांच होता है, उससे लगा के देखो तो वो कीटाणु दही में दिखते हैं, वो तो आप देख सकते हैं। तो कितना अणु है, कितना छोटा है, कि दही हम जो खा रहे हैं उस दही में है पर दिख नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि अनंत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है पर फिर भी है। हमारी आंखें वो देखने में सक्षम नहीं है। तो परमात्मा अड़ो अड़ियान मही तो महियान, वो बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं।